मेरा आज का इस वीडियो का टॉपिक है फ्रिज में आइस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बताऊंगा मैं इस वीडियो में। काफी सिंपल और बहुत आसान तरीके से, अगर आपके पास भी सिंगल डोर फ्रिज यूज करते हैं तो बिना किसी टेक्नीशियन हेल्प के आप मेरी इस वीडियो की मदद से अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। काफी सिंपल होता है। तो एग्जांपल, मेरे पास जो सिंगल डोर फ्रिज है इसके फ्रीजर में बहुत ज़्यादा अगर आइस जम गया है तो उसकी प्रॉब्लम को कैसे आप पहचानोगे, मैं मेरे फ्रिज को लेकर बताता हूँ ताकि आप अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कैमरा पास में ले आते हैं, ये देखिए सिंपल सा ऑप्शन है। यहाँ पर देखेंगे ये जो रेगुलेटर होता है इसके नॉब होते एक निशान बना होता है, उस निशान को देखें कहीं हाई लेवल पर सेटिंग है तो उसको मौसम के हिसाब से इसको घुमा दें, कम कर लीजिए, बिल्कुल लो पर रख लीजिए। उसके बाद देखेंगे कि आपकी फ्रिज की फ्रीजर में बहुत ज़्यादा बर्फ जम रहा था वो कंट्रोल हो जाएगा, कम जमेगा। अगर आपने इस तरीके से कोशिश करके देख लिया है फिर भी नहीं हो रहा है तो दूसरी वजह मैं बताता हूँ। ये जो फ्रिज का फ्रीजर के नीचे ये जो ट्रे होता है इसको खोलना है, ये देखिए ट्रे को खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पर मैं कैमरा ट्रे के पास लेके चलता हूँ, ये आप देख सकते हैं ट्रे के नीचे एक सेंसर लगा होता है, देख पा रहे हैं ये वाला, ये थर्मोस्टेट का ही सेंसर है। कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज की फ्रीजर से थर्मोस्टेट का सेंसर जो है वो अलग हो जाता है जिसके कारण ये जो फ्रीजर में बहुत ज़्यादा बर्फ बनता है क्योंकि ये ही सेंसर सेंस नहीं कर पाता इससे दूर होने के कारण। तो आप अपने फ्रिज में चेक करें क्या सेंसर आपके फ्रीजर से दूर हटा हुआ है, तो बिल्कुल इसी तरीके से चिपका कर लगाएं जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अगर आप ये भी देखते हो कि थर्मोस्टेट बिल्कुल लो पर है, उसके बाद देखते हैं कि सेंसर बिल्कुल लगा हुआ है, उसके बाद भी फ्रिज के फ्रीजर में बहुत ज़्यादा बर्फ यहाँ पर बन रहा है तो ये जो थर्मोस्टेट है वो खराब हो चुका है। सिंपल मार्केट से नया थर्मोस्टेट लेकर आना है और इस थर्मोस्टेट को चेंज कर देना है जिससे आपके फ्रिज के फ्रीजर में बहुत ज़्यादा आइस बनने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।